Dear students and friends, this time we have taken another poem, A Psalm of Life. The title of the poem is A Psalm of Life. आप में से बहुत सारे ये भी सोच रहे होंगे कि ये साम क्यों बोला जा रहा है। स्पेलिंग है PSALM। सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन पे हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा इसका। आपके पास एक एग्जांपल दे रहा हूँ, साइकोलॉजी, PSYCHOLOGY। इसको हम लोग साइकोलॉजी बोलते हैं, ये पी साइलेंट हो जाता है। इस साइकोलॉजी में पी साइलेंट हो जाता है, लेकिन स्पेलिंग पी से शुरू होता है। सिमिलरली निमोनिया, निमोनिया में भी स्पेलिंग आपका ये पी से शुरू होता है, पी एन, तो पी साइलेंट हो जाता है, सीधा हम लोग निमोनिया बोलते हैं। उसी तरीके से ये साम है, पी एस ए एल एम, ये पी साइलेंट हो जाएगा और आपका उच्चारण होगा शाम, एल भी साइलेंट हो जाता है। तो ए साम ऑफ लाइफ, इस पोएम का नाम है ए साम ऑफ लाइफ। साम का मतलब होता है हाइम, HYMN, हाइम का मतलब भजन, जिंदगी टाइटल हुआ, साम का मतलब भजन, हाइम। और पोएम का नाम है ए साम ऑफ लाइफ, यानी जिंदगी का भजन। ये जिंदगी एक भजन है, और भजन जैसे हम लोग हाइम भगवान का नाम लेते हैं, राधे राधे, या जय श्री राम वगैरह, सब जो हाइम हम लोग भजन करते हैं वो कहलाता है। तो जिंदगी भी एक भजन है। अब इस पोएम में पोएट का इंटेंशन, व्हाट द पोएट वांट्स टू से इन दिस पोएम, कि हम लोगों को जिंदगी कैसे जीना चाहिए, और बहुत सारी परेशानियां जिंदगी में आएंगी। जब आप बिल्कुल डिस्पेरेट हो जाएंगे, आपको लगेगा देयर इज नो वे आउट, और अब ये जिंदगी लास्ट होने जा रही है, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन संघर्ष का नाम ही जिंदगी है, आप उसमें निराश नहीं होंगे। पोएट वही चीज बता रहा है आपको कि आप जिंदगी से निराश ना हो। अगर गम आ गया है, अंधेरा आ गया है, तो उजाला जरूर होगा, क्योंकि ये अंधेरे के बाद उजाले को ही आना है, और आएगा ही आएगा। इसलिए आप ये सोच करके जिएंगे कि जिंदगी कभी खुशी कभी गम, इसी का नाम है जिंदगी। तो शुरू करते हैं पोएट क्या बोल रहा है इसमें, और वो क्या कहना चाह रहा है। ए साम ऑफ लाइफ, टेल मी नॉट इन मॉर्नफुल नंबर्स। मॉर्नफुल का मतलब होता है दुख भरे आवाज में, दुखी होकर, मॉर्नफुल, इन अ वेरी सैड सॉन्ग। नंबर्स का मतलब होता है सॉन्ग, तो यहां पर नंबर्स का मतलब सॉन्ग हुआ, मॉर्नफुल का मतलब दुख भरे। पोएट बोला टेल मी नॉट इन मॉर्नफुल नंबर्स, मेरे को दुख भरे आवाज में ये मत सुनाओ, ये मत बोलो कि लाइफ इज बट एन एम्प्टी ड्रीम, जिंदगी एक स्वप्न मात्र है। तो इस दो लाइन का मतलब हुआ, पोएट बोल रहा है, कोई आदमी आया होगा पोएट के पास जो पोएट को ये बोल रहा होगा कि यार जिंदगी बहुत बेकार चीज है, जिंदगी में अब कुछ रह नहीं गया, मैं बहुत निराश हूं। तो शायद पोएट उसे समझाने के अंदाज में ये लाइन बोल रहा है, और पोएट सिर्फ उसी को नहीं समझा रहा है, दैट मैन वाज अ टाइप, वो टाइप है, दैट मैन वाज अ टाइप टू हिम द पोएट इज टीचिंग द लेसन ऑफ लाइफ, दैट लाइफ इज नॉट एन एम्प्टी ड्रीम, लाइफ इज ए मीनिंगफुल थिंग, जिंदगी बहुत बड़ी चीज का नाम है, उसको इतने हल्के में मत लो। तो पोएट उस आदमी को समझा रहा है कि
टेल मी नॉट इन मॉर्नफुल नंबर्स, लाइफ इज बट एन एम्प्टी ड्रीम। मेरे को इस दुख भरे अंदाज में बिल्कुल मत सुनाओ कि जिंदगी कुछ भी नहीं है, एक स्वप्न मात्र है। ऐसा मत बोलो मेरे को। क्यों? क्योंकि फॉर द सोल इज डेड दैट स्लम्बर्स। स्लम्बर्स का मतलब नींद, सोना। तो फॉर द सोल इज डेड दैट स्लम्बर्स, अब पोएट बोल रहा है कि वो आत्मा जो सोई हुई है, समझो कि वो मर चुका है। यानी द पर्सन हु इज कंप्लीटली इनएक्टिव, वो आदमी जो जिंदगी में बिल्कुल निष्क्रिय है, इनएक्टिव है, उसके बारे में आप ऐसा सोच सकते हैं कि वो मर चुका है। वो आदमी जीते जी मरा हुआ है। तो फॉर द सोल इज डेड दैट स्लम्बर्स एंड थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम, और चीजें वैसी नहीं है जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा है। तो फोर लाइन का एक स्टांजा है इस पोएम में, और फर्स्ट स्टांजा का मीनिंग फिर से हम लोग देख लेते हैं। पोएट बोल रहा है उस आदमी को जो पोएट के पास आया हुआ है कंप्लेन करने के लिए कि जिंदगी कुछ भी नहीं, एक स्वप्न मात्र है, उसको पोएट कैसे समझा रहा है। बोलता है, मेरे को रोते हुए अंदाज में या दुख भरे अंदाज में मेरे को यह मत सुनाओ कि जिंदगी एक स्वप्न मात्र है, जिंदगी बहुत कुछ है। वो आत्मा यानी सोल, आत्मा यहां पर आदमी होगा, वो आदमी जो सोया हुआ है, इनएक्टिव है, समझो वो आदमी बिल्कुल मरा हुआ है। एंड थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम, चीजें वैसी नहीं है जैसा कि आपको दिखाई पड़ता है। क्योंकि ऐसा भी होता है कि अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव, जो दिखाई पड़ रहा है वो छद्म है, छलावा है। अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव, ऐसा भी होता है। अब पोएट रियल पोजीशन पे आ रहा है, बोल रहा है लाइफ इज रियल, जिंदगी हकीकत है, लाइफ इज अर्नेस्ट, जिंदगी सीरियसनेस का नाम है, जिंदगी सीरियसनेस का भी नाम, जिंदगी सीरियसनेस का नाम है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, जिंदगी का मकसद सिर्फ कब्र ही नहीं है, यानी मौत ही आदमी का अंतिम लक्ष्य नहीं है। जिंदगी हकीकत है, लाइफ इज रियल, जिंदगी सीरियसनेस का नाम है, और मौत ही जिंदगी का अंतिम लक्ष्य नहीं है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, गोल का मतलब लक्ष्य, ग्रेव मतलब कब, यानी मौत ही जिंदगी का अंतिम लक्ष्य नहीं है। डस्ट थाउ आर्ट टू डस्ट थाउ रिटर्न्स, ये हमारा बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट है, उस ओल्ड टेस्टामेंट में ये लिखा हुआ है कि ओल्ड टेस्टामेंट में भी है और हमारा गीता में भी ये लिखा हुआ है कि डस्ट थाउ आर्ट, कि तुम मिट्टी के बने हुए हो और वापस उसी मिट्टी में तुम मिल जाओगे। ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ये लाइन देख लीजिए, कोटेड लाइन है ओल्ड टेस्टामेंट का। डस्ट थाउ आर्ट टू डस्ट थाउ रिटर्न्स वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, तुम मिट्टी के बने हुए हो और तुम वापस उसी मिट्टी में मिल जाओगे, ये बात सिर्फ बॉडी के लिए बोला गया है, शरीर के लिए बोला गया है, आत्मा के लिए नहीं बोली गई है। क्योंकि आत्मा अजय अमर है, इमॉर्टल है, आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है, आत्मा को कोई जला भी नहीं सकता है। इसलिए ये जो बोला गया है ओल्ड टेस्टामेंट में कि तुम मिट्टी के बने और वापस मिट्टी में जाओगे, ये सिर्फ तुम्हारे बॉडी के लिए बोला गया है, तेरी आत्मा के लिए नहीं बोला गया है, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है। तो ये सेकंड फोर लाइन को हम लोग फिर देख लेते हैं। बहुत सारे लोग ये बहाना बनाते हैं, यार मेहनत क्यों करना है, ये काम क्यों करना है, ये ऐसे भी मरना है वैसे भी मरना है, तो फिर ये काम करना क्यों है, जब अंतिम लक्ष्य मौत ही है तो चुपचाप बैठे रहो, पड़े रहो। ऐसे भी आदमी बहुत सारे हैं जिसका ये धारणा रहता है। एक इस सिलसिले में एक कहानी आपको बता दूं, जब
पीजी में मैं पढ़ रहा था, पोस्ट ग्रेजुएट में था, तो हमारा फिजिक्स का एक साथी था पोस्ट ग्रेजुएट का, वो अक्सर बोला करता था, हम लोग पढ़ता था तो रट्टा मारता था, वो रूम के साइड से क्रॉस करता था और बोलता था, वो क्या बोलता था जस्ट सुनिए, जो भी पढ़तम सो भी मरतम, जो नहीं पढ़तम वो भी मरतम, दांत खटाखट काहे को करतम, जो भी पढ़तम सो भी मरतम, जो नहीं पढ़तम सो भी मरतम, दांत खटाखट काहे को करतम। यानी पढ़ने वाला भी मरेगा, नहीं पढ़ने वाला भी मरेगा, तो फिर क्यों परेशान हो रहे हो दांत पे दांत रगड़ करके, इतना रट्टा क्यों मार रहे हो। सिमिलरली मैं रिकॉल करता हूं इस लाइन को, जब वो बोल रहा है पोएट कि लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, जिंदगी हकीकत है, जिंदगी सीरियसनेस का नाम है। तो आदमी बहुत सारे ऐसे हैं जो सोचते हैं जिंदगी का अंतिम लक्ष्य कब्र है, मौत जिंदगी का अंतिम लक्ष्य है, जबकि पोएट बोलता है जिंदगी का अंतिम लक्ष्य मौत नहीं है, इसके आगे भी है। क्यों? ये बोलने वाला आदमी जो बोलता है कि कब्र ही अंतिम लक्ष्य है, मौत ही अंतिम लक्ष्य है, वो ये सोच करके दलील देता है, वो दलील ये देता है कि आदमी मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी में रिटर्न चला जाएगा, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। तो मैं उसे समझा दूं उस आदमी को कि ये बात सिर्फ बॉडी के लिए बोला गया है, आत्मा के लिए नहीं बोला गया है, आत्मा कभी मरती नहीं है, वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। नेक्स्ट स्टन जाते हैं, नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज अवर डेस्टाइंड एंड और वे। एंजॉयमेंट मतलब खुशी, सॉरो मतलब गम, डेस्टाइंड मतलब फिक्स, ऑलरेडी फिक्स पहले से जो तय है, इज अवर डेस्टाइन एंड और वे, एंड मतलब लक्ष्य और रास्ता। तो नॉट एंजॉयमेंट, अपनी जिंदगी का लक्ष्य सिर्फ खुशियां ही खुशियां पाना नहीं है, या फिर अपनी जिंदगी का लक्ष्य सिर्फ दुख ही दुख पाना नहीं है। अगर किसी की जिंदगी में सिर्फ सुख ही सुख हो तो उसे क्या पता कि गम किस चीज का नाम है, दुख किस चीज का नाम है, उसको क्या मालूम। अगर किसी आदमी के पास आदमी की जिंदगी अगर किसी आदमी की जिंदगी में सिर्फ दुख ही दुख हो तो उसे क्या पता कि खुशी किस चीज का नाम है, तो वो आदमी जिंदगी नहीं जिया। जिंदगी तो उसका नाम है जहां पे थोड़ा खुशी हो थोड़ा गम हो, दोनों का मिक्सचर हो। सो लाइफ इज अ ब्यूटीफुल एमलगेशन ऑफ बोथ हैप्पीनेस एंड सॉरो। दैट इज व्हाई द पॉइंट इज टेलिंग, नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज अवर डेस्टाइन एंड अवर वे। हमारी जिंदगी, हमारा फिक्स लक्ष्य सिर्फ खुशियां पाना या सिर्फ गम पाना ही नहीं है, बट टू एक्ट दैट इज टुमारो। हम लोगों को काम करना चाहिए ताकि हर आने वाला कल में फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे, हर आने वाले कल में हम लोग एक कदम आगे बढ़े, यानी विकास डेवलपमेंट। आज अगर हम लोगों ने चैप्टर 1 पढ़ा तो आने वाला कल में चैप्टर 2 पढ़ेंगे ताकि हम कुछ प्रोग्रेस कर सकें। तो इस स्टंजा का मतलब हुआ, नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज अवर डेस्टाइन एंड और वे। हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ खुशियां पाना ही नहीं है या सिर्फ और सिर्फ दुख पाना ही नहीं है, हमको दोनों ही चीज मिलना चाहिए, तब जाकर के हम लोग जिंदगी के बारे में जान पाएंगे कि जिंदगी क्या है। बट टू एक्ट दैट इज टुमारो, हाँ ऐसा करो कि हर आज तुम इतना लेबर करो कि आने वाला कल में तुम एक कदम आगे रहोगे, तुमको पता चलेगा कि तुमने कुछ प्रोग्रेस किया है जिंदगी में। नेक्स्ट स्टंजा है, आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज फ्लीटिंग। आर्ट का मतलब यहाँ पे होता है वर्क, आपके पास वर्क बहुत है, लंबा सीरीज है वर्क का आज जो आपको फिनिश करना है, जिंदगी खत्म होने से पहले आपको अपना काम फिनिश कर लेना है। तो आर्ट इज लॉन्ग, टाइम इज फ्लीटिंग। यहाँ पे आप देखिए टाइम सेंटेंस के मिडिल में टी कैपिटल है, टाइम, इसका मतलब दिस टाइम इज पर्सोनिफाइड, टाइम
समय उड़ रहा है, उड़ेगा कौन? लिविंग थिंग ना, जब कोई लिविंग थिंग उड़ेगा, कोई भी लिविंग थिंग ही उड़ सकता है, नॉन लिविंग थिंग तो उड़ेगा नहीं। और जब कोई नॉन लिविंग थिंग को हम लोग लिविंग थिंग बना करके, बर्ड बना करके उड़ा दें, तो उसको हम लोग बोलते हैं पर्सोनिफाइड। तो ये टाइम, टाइम को हम लोग बोलते हैं दिस टाइम इज पर्सोनिफाइड, क्योंकि ये इसमें विंग लगा हुआ और ये फ्लीट कर रही है। तो आपके पास काम बहुत है, वर्क बहुत है, आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज फ्लीटिंग, समय भाग रहा है। काम बहुत है और समय आपके पास बहुत कम है, समय भाग रहा है। एंड अवर हार्ट्स दाउ स्टाउट एंड ब्रेव, हमारा स्टाउट मतलब स्ट्रॉन्ग, हमारा हार्ट चाहे जितना भी स्ट्रॉन्ग हो और ब्रेव हो, स्टिल लाइक माफल ड्रम्स आर बीटिंग फ्यूनरल मार्चेस टू द ग्रेव। एक टाइम ऐसा आता है, आदमी चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, कितना भी ब्रेव हो अंदर से, एक समय ऐसा जरूर आता है जब वह भी रोता है, और रोता है बहुत दारुण रोता है, वो बहुत ही दारुण स्वर में रोता है। जैसे कैसे रोता है, तो इमेज क्रिएट किया गया है, स्टिल लाइक मफल ड्रम्स, मफल ड्रम, ड्रम बोलते हैं ढोल को, मफल, ये मफल वर्ड है, आप मफलर जानते होंगे जो हम लोग गले में लपेटते हैं, मफलर, मफलर से बना है मफल, मफलर लपेटना, मफल लपेटा हुआ। तो जब ड्रम में कोई कपड़ा हम लोग लपेट देते हैं, ऐसा है क्या कि जब डेड बॉडी का प्रोसेशन जाता है, शायद क्रिश्चियनिटी में जब डेड बॉडी का प्रोसेशन निकलता है, तो सामने ड्रम, सामने में जो आदमी होता है शायद वो ड्रम रखता है, और ड्रम में कपड़ा लपेटा हुआ, भींगा हुआ कपड़ा वो लपेट देता है, उसमें जब एक बार वो बीटिंग करता है तो वेरी सैड साउंड बहुत दूर तक गूंजता है। हिंदुओं में क्या होता है, वो बैल रखते हैं और बैल को कभी कभी एक बार वो मारेंगे और वो साउंड बहुत दूर तक गूंजता है डेड बॉडी का प्रोसेशन में। तो सिमिलरली ये ड्रम्स, वो आदमी जिसका हार्ट इतना स्ट्रॉन्ग और ब्रेव था, वह भी रोता है, कैसे रोता है, समय आने पे वह भी रोता है, कैसे रोता है, तो मफल ड्रम्स की तरह, जिस तरह से ड्रम में मफलर, मफल ड्रम को जब आप पीटते हैं एक बार और उससे जो आवाज निकलता है बहुत ही पैथेटिक साउंड निकलता है जो दूर तक गूंजता है, तो उसी की तरह ये आदमी का हार्ट भी रोता है। फ्यूनरल मार्चेस टू द ग्रेव, इस लाइन को फिर से हम लोग सुना दें, इस स्टंजर को कंप्लाई करते हैं। आपके पास काम बहुत है, समय बहुत कम है, समय भागता जा रहा है, हर आदमी चाहे वो जितना भी, उसका हार्ट चाहे जितना भी स्ट्रॉन्ग हो और ब्रेव हो, वह भी रोता है समय आने पे, और कैसे रोता है, वैसे जैसे कि मफल ड्रम जो फ्यूनरल मार्च, जो डेड बॉडी का प्रोसेशन जा रहा है, उस डेड बॉडी के प्रोसेशन में जो सामने मफल ड्रम लेकर के आदमी जब साउंड निकालता है उस मफल ड्रम से, तो जितना पैथेटिक साउंड उस मफल ड्रम से निकलता है, उसी की तरह आवाज निकलती है उस आदमी के दिल से भी जब वक्त आता है। तो यानी किसी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उसके पास बुरे वक्त नहीं आएंगे, बुरा वक्त सबके पास आता है और आदमी हर कोई रोता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप डिस्पेरेट हो जाएं, निराश हो जाएं। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, निराश आपको बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि जिंदगी जंग का मैदान है। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, ये पूरी दुनिया ही जंग का मैदान है और जिंदगी खुद एक जंग है। इन द विभाग ऑफ लाइफ, विभाग मतलब टेम्प्रोरी स्टे, जैसे आपने देखा होगा रोड साइड में तंबू गाड़ करके लोग रह जाते हैं, फिर जब जाने लगते हैं तो वो तंबू उखाड़ के चल देते हैं। दैट तंबू इज इज हाउस, वो तंबू जो टेम्प्रोरी लगाते हैं वो लोग, वो उसका घर है, लेकिन जब जाने लगते हैं तो तंबू लेकर के चले जाते हैं। तो हमारी जिंदगी भी एक
विभाव, ये हमारी जिंदगी भी एक टेम्पररी स्टे है इस धरती पे, ये धरती अपना परमानेंट घर नहीं है। अपना परमानेंट घर तो कहीं और है, दूसरे वर्ल्ड में है परमानेंट घर। इस वर्ल्ड में परमानेंट घर किसी का नहीं है, जो आया है वो जाएगा, दैट इज डेफिनेट। इसलिए ये जिंदगी टेम्पररी स्टे है, विभाव ऑफ लाइफ है। और इस टेम्पररी स्टे ऑफ लाइफ में जहां संघर्ष करना है आपको, बी नॉट लाइक डम, वहां गूंगा मत बनो। इस धरती पे आपको गूंगा बनकर नहीं जीना है। ड्राइवन कैटल, कैटल बोलते हैं मवेशी। मवेशी क्या है, जैसे आपने रोड पे देखा होगा, जब जा रहे होंगे आप तो रोड पे एक ही साथ बहुत सारे मिलेंगे, उसमें गाय भी है, भैंस भी है, घोड़ा है, गधा है, गोट है, बकरी है, भेड़ है, ये सारे जब एक साथ रोड पे चल रहे होंगे तो उसको बोलते हैं कैटल, मवेशी। अगर सिर्फ काव ही काव है तो दैट इज नॉट कैटल, अगर सिर्फ भैंस ही भैंस है दैट इज नॉट कैटल, अगर सिर्फ गोट ही गोट है दैट इज नॉट कैटल। कैटल का मतलब वहां गाय भी होगा, भैंस भी होगा, बैल भी होगा, गोट बकरी भी होगी, भेड़ भी होंगे, कुत्ते भी हो सकते हैं, कुत्ते भी होंगे, दैट इज कैटल। तो सब मिलाकर के कैटल होता है। बी तो ये बोल रहा है, बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल। इस संघर्ष भरी दुनिया में आप गूंगा बनकर मत जियो, या डरपोक कैटल की तरह जहां छड़ी उठाया वो कैटल भागना शुरू करते हैं, गाय भैंस दौड़ना शुरू करते हैं रोड पे, तो वैसा ड्राइवन कैटल मत बनोगे। किसी ने डरा दिया तो डर गए। बी ए हीरो इन द स्ट्राइक, स्ट्राइक मतलब संघर्ष। इस जिंदगी में तुम, इस संघर्ष में तुम एक हीरो बनकर जियो। तो इस स्टंजा को फिर से देखते हैं। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द विभाग ऑफ लाइफ, ये पूरी दुनिया जंग का मैदान है और हमारा लाइफ एक टेम्पररी स्टे है। इस टेम्पररी स्टे में हमको गूंगा बनकर नहीं जीना है, या डरपोक कैटल की तरह नहीं जीना है, हमको हीरो बनना है और संघर्ष करना है। इन द स्ट्राइफ, इस संघर्ष भरी दुनिया में हमको हीरो बनना है, हमको डरपोक कवाड़ नहीं बनना है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टंजा है, ट्रस्ट नो फ्यूचर हाउएवर प्लीजेंट। भविष्य को तो कभी आप यकीन ही मत करो। किसी ने अगर कह दिया आपको कि आप कल को भारत का प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, यकीन मत करना, क्योंकि फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है। हाउएवर प्लीजेंट, चाहे वो कितना भी सुखद, वो भविष्यवाणी चाहे जितना भी सुखद हो, आप उस पर कभी यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि किसी ने भविष्य को देखा नहीं है, फ्यूचर को देखा नहीं है। और रहा बात पास्ट का, तो लेट द डेड पास्ट बरी इट्स डेड, यानी जो बीत गई वो बात गई, लेट बाय गॉन बी बाय गॉन, जो बीत गई वो बात गई, पास्ट तो फिर लौट के आएगा नहीं, वो जा चुका है। इसलिए फ्यूचर पे यकीन मत करो, पास्ट को तरजीह मत दो, पास्ट के बारे में कुछ सोचो भी मत उतना। तो रहा बात आपके पास सिर्फ प्रेजेंट का, एक्ट इन द लिविंग प्रेजेंट, इस वर्तमान में, प्रेजेंट में तुम काम करते चले जाओ, हार्ट विद इन एंड गॉड ओवर हेड, बस अपने दिल में भगवान का स्मरण करो, दिमाग में भगवान को रखो और फिर काम करते चले जाओ प्रेजेंट में। यकीन फ्यूचर में मत करो, पास्ट को याद मत करो, बस प्रेजेंट का टाइम है, काम करते जाओ और भगवान पे भरोसा रखो, वो तुम्हारा मदद करेंगे। नेक्स्ट फोर लाइन, लीव्स ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंडर्स, जितने भी महान आदमी हुए हैं इस धरती पे, उन सबों की जिंदगी हम लोगों को ये याद दिलाती है कि वी कैन मेक अवर लीव सबलाइन, कि हम भी अपनी जिंदगी को सबलाइन बना सकते हैं, टॉप बना सकते हैं, नॉबल बना सकते हैं। सबलाइन का मतलब नॉबल, और टॉप भी होता है, यानी कि हाईएस्ट पिक पे पहुंचा सकते हैं अपनी जिंदगी को। वी कैन मेक अवर लीव सबलाइन एंड डिपार्टिंग लीव बिहाइंड अस फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड ऑफ टाइम, समय के इस रेत पे हम भी अपना
पांव का निशान छोड़ के जा सकते हैं। यानी हमारे कर्म हमको निर्धारित करेंगे कि आने वाला जेनरेशन हमें फॉलो करेगा या नहीं। हमको क्या करना है, इस फोर लाइन में आपको समझाया गया है कि जितने भी महान आदमी हुए हैं इस धरती पे, उन सबों ने अपना पद चिन्ह इस धरती पे छोड़, वो सभी अपना पद चिन्ह पांव के निशान इस धरती पे छोड़ गए हैं। हम लोग भी अपनी जिंदगी को उन्हीं की तरह महान बना सकते हैं, बशर्ते कि उनकी जिंदगी को हम लोग फॉलो करें, तो हम लोग भी उतने ही महान हो जाएंगे। और फिर जब हम लोग इस धरती से जाने लगेंगे तो अपने पांव का निशान छोड़ जाएंगे, जो आने वाला जेनरेशन हमें देखेगा, हमारी लाइफ को पढ़ेगा और फिर हमें फॉलो करके वो लोग भी अपनी लाइफ को महान बना लेंगे। तो जाने से पहले हम अपना फुटप्रिंट्स इस समय के रेत पे छोड़ जाएंगे। नेक्स्ट फोर लाइन है, फुटप्रिंट्स दैट परहैप्स अनदर सेलिंग ओवर लाइफ सॉलमन मैन ए फॉरलर्न एंड शिपरेक ब्रदर सीइंग शैल टेक हार्ट अगेन। यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट है दो तीन चीज। सेलिंग मतलब तैरना, पानी में तैरना। सॉलमन, सॉलमन मतलब सीरियस, गंभीर। और ये मैन का मतलब समुंदर, ओशन, OCEN। यानी सेलिंग मतलब तैरना, सॉलमन हुआ गंभीर, मैन मतलब ये समुंदर, ओशन। फॉलन मतलब भटका हुआ, जो रास्ता भूल गया है। सीप्रेट, सीप्रेट मतलब समुंदर में जो जहाज चल रहे हैं, वो जहाज जब टूट जाते हैं तो उस टूटे हुए जहाज को हम लोग बोलते हैं सीप्रेट, सीप्रेट। एंड सीइंग शैल टेक हार्ट अगेन, तो इसका मतलब हुआ फुटप्रिंट्स दैट परहैप्स अनदर सेलिंग ओवर लाइफ सॉलमन मैन। ये जिंदगी, हमारी जिंदगी खुद ही एक समुंदर है, सीरियस समुंदर है। यानी हर आदमी की जिंदगी एक समुंदर है। समुंदर 80 साल का है, किसी का 90 साल का है, किसी का 70 साल का है, लेकिन इस ये जिंदगी एक समुंदर है आदमी का। और इस समुंदर में बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे। यानी आपकी जिंदगी जो एक समुंदर की तरह है, वहां बहुत सारे प्रॉब्लम आपके पास आएंगे। आपको सुसाइड नहीं करना है, आपको डिस्पेरेट नहीं होना है, क्योंकि आपको सोचना यह है कि मेरे तरह का प्रॉब्लम तो बहुतों को आया होगा। बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे प्रॉब्लम फेस किए होंगे, क्या वो सबके सब मर गए? नहीं, उसको आपको संघर्ष करना है, उसका सामना करना है। कैसे? जैसे समुंदर में चल रहे जहाज, समुंदर में जो जहाज चल रहा होता है या भटक गया होता है वो जहाज समुंदर में, और फाइनली वो जहाज जब टूट जाता है, जैसे टाइटैनिक, वो जहाज जब टूट जाता है तो उसमें जो जहाज में जो पैसेंजर है, वो पैसेंजर अपनी जिंदगी बचाने के लिए हाथ पैर मारते हैं। उसमें से कुछ लोग बचकर निकल भी जाते हैं, कुछ मर जाते हैं, लेकिन कोशिश तो सब के सब करते हैं। ठीक उसी तरह से हम लोगों को भी जब कभी अपनी जिंदगी के अंदर समस्या आना शुरू होगा, गंभीर समस्या, तो फिर हमको याद करना पड़ेगा कि वो लोग कैसे जी गए जो हमसे भी भयंकर समस्या में था, हमसे भी बड़ा प्रॉब्लम में था, वो लोग कैसे जिंदा रह गए। अगर वो जिंदा रह सकते हैं तो मैं जिंदा क्यों नहीं रह सकता। इस तरह से हमको संघर्ष करना है और फिर हौसला रखना है। हौसला हारना नहीं है, हमको हौसला रखना है आगे बढ़ने के लिए और जिंदा रहने के लिए। देन ये कंक्लूडिंग लाइन है, कंक्लूडिंग स्टंजा, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग। तो फिर उठो और अपना काम करना शुरू करो। विथ ए हार्ट फॉर एनी फेट, परिणाम अंजाम चाहे जो कुछ भी हो, आप सिर्फ अपना कर्म करो, आप सिर्फ अपना कर्म करना शुरू कीजिए। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग। एक बार फेल हुआ, दो बार फेल हुआ, लेकिन परिश्रम करते रहो, आपको सफलता मिलेगी। मेरे कहने का मतलब, एक बार फेल हुआ यह नहीं कि एग्जाम में फेल हुआ, आप कोई काम कर रहे हैं वो सक्सेस नहीं हुआ, दैट इज फेल। तो
आप अगर किसी चीज को नहीं कर पा रहे फर्स्ट अटेम्प्ट में, आप नहीं कर पाए तो सेकेंड अटेम्प्ट करो, थर्ड अटेम्प्ट करो, आपको सफलता मिलेगी। स्टिल अचीविंग, स्टिल परस्यूइंग, लगे रहो उसमें। और फिर लर्न टू लेबर एंड टू वेट, मेहनत करना सीखो और प्रतीक्षा करना सीखो, फल ऊपर वाला देगा। यानी इस कंक्लूडिंग लाइन का मतलब हुआ कि हम लोगों को लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, हम लोगों को अब शुरू हो जाना चाहिए, उठना चाहिए और अपना काम शुरू कर देना चाहिए। बस परिणाम चाहे जो भी हो, दिल में भगवान का नाम याद रखो और परिणाम की चिंता मत करो। तुम लगातार परिश्रम करते रहो, लगे रहो, सफलता मिलेगी। हाँ, आपको हौसला रखना होगा। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, मेहनत करना सीखो और प्रतीक्षा करना सीखो, फल की प्रतीक्षा करना सीखो, फल तुमको जरूर मिलेगा। दिस इज व्हाट द पोएट वांट्स टू से। द कंपोजर इज पोएट है W.H. Longfellow. This is all about a psalm of life. Okay, thank you. See you in the next video with some next